आज के वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं रीट एग्जाम को लेकर। क्या रीट की एग्जाम पोस्टपोन होगी या नहीं होगी, क्योंकि रीट की तैयारी हम लोगों ने काफी समय से की है। जब लॉकडाउन नहीं लगा था तब से लेकर के लगातार दिन रात सुबह शाम जो है आप लोगों ने तैयारी की, पढ़ाई की और इस रीट के महाकुंभ में डुबकी भी लगाई। लेकिन हुआ क्या, पेपर जो है वो कहीं लीक हो गया, कहीं चप्पल में डिवाइस मिल रहा है। ऐसे में क्या रीट की एग्जाम वापस होने वाली है, क्या एग्जाम पोस्टपोन होगी या फिर जहां पर डिवाइस मिला है वहीं पर वापस एग्जाम होगी। आज की इस वीडियो में हम ये सारी बातें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हाँ, रीट में नकल हुई है और ये बात जो है वो आधिकारिक तौर पर भी इसकी पुष्टि हो चुकी है। लगातार उच्च अधिकारी जो है वो संपर्क पर इसकी नकल हुई है। और आपको बता दें कि चुरू जिले के राजल देसर गांव के कुछ जो युवक है वो पकड़े भी गए हैं और ये सच बात है जी। राजस्थान पर भी इस न्यूज को लगातार दिखाया जा रहा है और मुझे पता है कि आप सभी लगातार इस बात को जानने के लिए उत्सुक हैं कि रीट की एग्जाम पोस्टपोन होगी या नहीं होगी। तो देखो, रीट की एग्जाम पोस्टपोन होने के पूरे पूरे चांसेस है। वो इसी कारण है क्योंकि कहीं पर नकल हुई है, कहीं पर जो है वो डिवाइस चप्पल में गए हैं, तो कहीं पर पेपर्स जो है बच्चों ने दिए नहीं है और कहीं पर ऐसा हुआ है कि पेपर ही लेट पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात तो तब हुई जब मात्र एक मिनट के लिए बच्चे जो है वो लेट पहुंचे और उनके सामने दरवाज़ा बंद हो गया और वो चिल्लाते रहे, चीखते रहे। ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देख रहे होंगे कि बच्चे बाहर से कह रहे हैं एक मिनट की खातिर है, तुम्हारी बेटी होती तो तुम क्या करते, और दरवाजे के बाहर लड़कियां रो रही है, बेहोश हो रही है। और क्या उनका एक मिनट के लिए लेट आना और एक मिनट के लिए हम दरवाजा नहीं खोल सकते थे क्या, क्योंकि उनकी जिंदगी का सवाल था। उन्होंने कितनी मुश्किलों से जो है इस परीक्षा की तैयारी की होगी ये सामने वाले को नहीं पता। तो बच्चों के लिए दरवाजे नहीं खुले, जहां खुले वहां पर जो है पेपर लेट पहुंचे और बच्चों को जो है सही समय नहीं मिला। कुल मिलाकर इस रीट में जो है कहीं पर अव्यवस्थाएं थी तो कहीं पर बच्चे जो है एग्जाम देने से वंचित हो गए। खासकर जो लड़कियां एग्जाम देने से वंचित हो गई वो बेहोश होकर गिर गई। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रीट में जो है वो सेंटर्स काफी दूर थे, बारिश का मौसम था और सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे बड़ी भर्ती थी। तो परिवहन की सुविधाएं होने के बाद भी सही बसेस नहीं मिली, टाइम पे नहीं मिली, या फिर जहां पर सेंटर थे वो काफी दूर थे, वहां पर जाने की सुविधा नहीं होने की वजह से बच्चे एक दो मिनट लेट हो गए और नतीजा इतनी मेहनत के बाद भी वो पेपर नहीं दे सके। तो कई ऐसे कारण आते हैं जिससे रीट के पोस्टपोन होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं और आउट होने के कारण जो है वो हो सकता है कि रीट वापस हो, क्योंकि पोस्टपोन होनी चाहिए क्योंकि किसी भी जगह सही ढंग से जो है रीट नहीं हुई है। वैसे भी बहुत ज्यादा सख्ती हुई है, कहीं कहीं तो बहुत सख्ती हुई है लेकिन कहीं कहीं कोई भी सख्ती नहीं हुई है। तो आपको क्या लगता है कि रीट की एग्जाम वापस होनी चाहिए, पोस्टपोन होनी चाहिए, या फिर अगर आपको भी किसी कारण से जो है परेशानी हुई है तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और सबको बताएं कि आपको रीट की एग्जाम में क्या क्या दिक्कतें हुई हैं और आपके विचार क्या है कि रीट होनी चाहिए वापस, पोस्टपोन होनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके विचार इस संबंध में क्या है। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना जिससे कि हर बच्चे के पास जो है ये वीडियो पहुँचे।